अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। शहर में सरकारी होर्डिंग्स टीआरएस पार्टी होर्डिंग्स में तब्दील, बलदी इंतखाबात से कबल अचानक तब्दीलियां। तेलुगुदेशम के पास कैडर नहीं, बीजेपी के साथ आवाम नहीं और कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं, वजीर आप्पा हरीश राव का तबसरा। कांग्रेसी कायदीन की टीआरएस में शमूलियत का मसला, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की दिल्ली तलबी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पीजी सेमिस्टर्स प्रोग्राम के मुताबिक मुनक्किद होंगे, रखना डालने वाले तुलबा के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह। और बोराबंडे का साकिन मोगिया लड़का अगवा कुनिंदों के चुंगल से आजाद करा लिया गया, पुलिस की कामयाब मसाई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में गुलाबी परचम लहराने के मकसद से सरकारी तौर पर लगाए गए होर्डिंग्स 15 दिनों के अंदर पार्टी होर्डिंग्स में तब्दील हो गए। 15 ता 20 दिन कबल शहर भर में बड़े छोटे 800 होर्डिंग्स महकमे ताल्लुकात आम्मा की जानिब से हुकूमत के प्रोग्रामों की तशहीर के लिए लगाए गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन होर्डिंग्स को तब्दील करते हुए पार्टी की तशहीर में तब्दील कर दिया गया। जिस होर्डिंग पर तेलंगाना हुकूमत का लोगो था, वहाँ पर अब कार का लोगो लग चुका है और ये होर्डिंग्स को टीआरएस हैदराबाद कमेटी से मौसूम किया गया है। इस सिलसिले में जब जीएचएमसी अहदेदारों से बात की गई तो पता चला कि महकमे ताल्लुकात आम्मा ने मुख्तलिफ 15 इश्तिहारी एजेंसियों के जरिए इसकी तशहीर की है। होर्डिंग्स में तब्दीली से मुतालिक पूछा गया तो पता चला कि इन 800 होर्डिंग्स में 50% होर्डिंग्स टीआरएस पार्टी ने खरीद ली है। इम्कान है कि जीएचएमसी इंतखाबात का एलामिया जारी होने के बाद तमाम होर्डिंग्स टीआरएस पार्टी इस्तेमाल करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि इन 800 होर्डिंग्स में किराए की शक्ल में हासिल होने वाली रकम महकमे ताल्लुकात आम्मा अदा करेगी या फिर टीआरएस पार्टी की जानिब से अदा की जाएगी, या फिर हुकूमत के दबाव में आकर इसका बोझ इश्तिहारी एजेंसियों के सर पर डाला जाएगा। वजीर आप्पा श्री हरीश राव ने कहा है कि जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी किसी का मुकाबला नहीं है। पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम के पास कैडर नहीं है, बीजेपी के साथ आवाम नहीं है। हरीश राव ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी पहले ही आंध्रा मुंतकिल हो चुकी है। इन्होंने कांग्रेस को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के पास जीएचएमसी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार ही मौजूद नहीं है और ना ही कांग्रेस के पास मजबूत क़यादत है। हरीश राव ने कहा कि तहरीक के दौरान टीआरएस पार्टी सबको साथ लेकर चली थी और इख्तदार में आने के बाद सबको साथ लेकर चल रही है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ जो भी आना चाहता है हम इनको साथ लेकर चलेंगे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपने अफराद खानदान के साथ पीर को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने फार्म हाउस पर होने वाली चंडी यज्ञम में शिरकत के लिए दावत देंगे। ज़राए ने बताया कि दोनों वज़राला बाहमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। 23 ता 30 दिसंबर तक चंद्रशेखर राव के ज़िले मेदक के एरावेली गांव में वाक़ फार्म हाउस में यज्ञम मुनक़द करने वाले हैं। चंद्रशेखर राव ने पहले ही इस प्रोग्राम के लिए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को शिरकत की दावत दी है। सदर जमहूरिया जो इस माह के अवाखिर में सरमाए तातीलात गुजारने के लिए हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं, तवक्को है कि आखिरी दिन इस यज्ञम में शिरकत करेंगे। इस यज्ञम में तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र के गवर्नर्स को भी शिरकत की दावत दी गई है। रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि कांग्रेस ने एमएलसी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को कतियत देने में जो गलती की थी वो जीएचएमसी इंतखाबात में ना करे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुकामी सतह पर कांग्रेस के लिए काम करने वालों को टिकट दिया जाना चाहिए। इन्होंने वजीर आला को भी निशाना बनाते हुए कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस नाकाम हो जाए तो केसीआर वजीर आला बरकरार रहेंगे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से केसीआर दूसरी जमातों के अरकान को टीआरएस में शामिल कर रहे हैं इससे उनकी नैया डूब सकती है।
तेलंगाना कांग्रेस कायदीन को आला कमान ने एक बार फिर दिल्ली तलब किया है। एमएलसी इंतखाबात में पार्टी टिकट देने के बावजूद टीआरएस में शामिल होने की वजूहत और जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में हिकमत अमली को कतियत देने के लिए आला कमान ने सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का, अपोजिशन कायद जाना रेड्डी, कौंसिल के अपोजिशन कायद शब्बीर अली के अलावा सिटी कांग्रेस सदर डी नागेंद्र को दिल्ली तलब किया है। वाजह है कि वरंगल में शिकस्त का जायजा लेने के लिए भी इन्हीं कायदीन को दिल्ली तलब किया गया था। इसके बावजूद कांग्रेस के हालात बेहतर होने के बजाय मजीद इबतर हो गए हैं। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के वीप संपत कुमार ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एससी जुमराबंदी के लिए मरकजी सतह पर नुमाइंदगी के लिए फौरन कुल जमाती वफद दिल्ली ले जाएं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असेंबली में एससी जुमराबंदी से मुतालिक करारदाद की मंजूरी के बाद कुल जमाती वफद को दिल्ली ले जाने का ऐलान किया था। इस पर अब तक अमलावरी नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि 23 दिसंबर से कबल कुल जमाती वफद दिल्ली ले जाए, वरना दलितों की बरहमी का सामना हुकूमत को करना होगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जमान पार्था सारथी ने कहा है कि कॉल मनी और सेक्स रैकेट का मसला वाईएसआर पार्टी ऐवान असेंबली में उठाएगी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कॉल मनी और सेक्स रैकेट में मुलविस अफराद को हुकूमत की पुष्ट पनाही हासिल है, हुकूमत इनका तहफ्फुज कर रही है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में गैर जानबदाराना कार्रवाई करते हुए असल खातियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू अवाम से किए गए वादों पर अमलावरी करते हैं तो इस तरह के जुराम पैदा नहीं होते। नाचाराम बलदी हलके से टीआरएस के कारकुनों की एक बड़े ग्रुप ने मजलिस में शमूलियत अख्तियार कर ली है। मजलिस के एससी एसटी सेल के जिम्मेदार शरद कुमार के हमरा टीआरएस कारकुनों ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस के परचम तले अवामी मसाइल के हल के लिए काम करने का ऐलान किया। जेएसी नाचाराम जेएसी से कोऑर्डिनेटर तकरीबन 3 साल काम कर रहा हूँ। इससे पहले टीआरएस कार्मिक विभागम से 2 साल काम किया है। आज मैं एमएम पार्टी जो भी काम कर रहा दलित मुस्लिम भाई भाई के हिसाब से वो जो पार्टी के जो काम कर रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे रहमतुल आलमीन वो नातिया मुशायरे के सिलसिले में तरबियत दी गई। इस्तकबालिया कमेटी का दारुसलाम में इजलास मुनक़िद हुआ। सदर इस्तकबालिया जाफर हुसैन मेराज, मोतमद उमूमी, सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा अराकीन इस इजलास में शरीक थे। जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि मजलिस के इस बड़े प्रोग्राम के इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं और जलसे व मुशायरे को तारीखी बनाने के लिए तमाम अराकीन कमर बस्ता हो चुके हैं। इन्होंने अवाम से अपील की कि कसीर तादाद में शिरकत करें और मिल्लत के जिम्मेदारों के बसीरत अफरोज़ बयानात से इस्तेफादा हासिल करें। जलसे रहमतुल्लाह आलमीन का जो हर इतवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से होता है उसका इजलास हर इतवार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इतवार को भी जो इजलास हुआ है जिसमें माशाल्लाह से आज रबीउल अव्वल की पहली तारीख है, तो अल्लाह के फ़ज़ल से इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक और इजलास होगा। आज के इजलास के अंदर तमाम कामों के ऊपर रोशनी डाली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तमाम काम जितने भी दारुसलाम के अंदरूनी बैरूनी से वो तमाम के तमाम तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अज़ीम 11 रबीउल अव्वल यानी 23 दिसंबर को जलसा होगा और 24 को नातिया मुशायरा होगा। उसमें इंशाल्लाह ताला कसीर तादाद में शिरकत होगी लोगों की, अवाम की, और मुझे इंशाल्लाह आपके चैनल के ज़रिए से कहना है कि इस जलसे में आके आप समय मोहम्मदी के परवानों के सबूत दीजिए। शुक्रिया। अलमाहत अद्दीनी अल अरबी के ज़ेर एहतमाम इतवार 13 दिसंबर को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में एक सेमिनार बानवान सुन्नत नबवी और मिसाली मुआशरे की तश्कील मुनक़िद हुआ। मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ शेखुल हदीस जामे निज़ामिया ने सदारत की। मुख्तलिफ उलमा ने सीरत से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर मकाले पेश किए। आखिर में सदर जलसा ने पेश करदा मकालात पर तबसरा किया।
वादी हुदा पहाड़ी शरीफ में जमात इस्लामी के मुल्क की तामीर नौ और हम के उनवान से मुनक्किदा जलसियाम में सियासी व मजहबी कायदीन ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो सब्र व तहमुल से मौजूदा हालात का सामना करें। मौलाना जलालुद्दीन उमरी अमीर जमात ने सदारत की। जलसे से उलमा इकराम और दानिश्वरों के अलावा सियासी कायदीन ने भी खिताब किया, जिनमें साबिका रुकन राज्यसभा मोहम्मद अदीब, डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम खान, मौलाना शेख असगर इमाम महदी, मौलाना जाफर पाशा, मौलाना मोहसिन उस्मानी नदवी और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी खिताब किया। तो कहा गया है कि जमहूरियत है, हर एक को बराबर का हक है, कोई खसूसी मराज मुसलमानों को या सिखों को नहीं दिए जाएंगे, ये फैसला कर दिया गया, मोहर लगा दी गई। उसके बावजूद हमने इस मुल्क को अपना मुल्क समझा, जैसे पहले कुर्बानियाँ देते रहे, बाद में भी देते रहे, आप भी दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे इंशाल्लाह। हम एक को मानने वाले हैं, कुरान शरीफ में नन्यनो नाम है अल्लाह ताला के, गुरु ग्रंथ साहब में एक के हिंसे से शुरू किया गया है, वो एक ही है, वाहिद है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, खादर मुतलक है वो। अब सवाल ये है कि आप हम अपने खादर मुतलक को छोड़कर, अपने परवरदिगार को छोड़कर दूसरों की तरफ ये क्यों तवक्को रखते हैं कि वो हमारी कुछ मदद करें। हम मुसलमान हैं, इस्लाम मज़हब के मानने वाले हैं, हम जो मुआहदा करते हैं वो तोड़ते नहीं, कभी नहीं तोड़ते, ये हमारा किरदार है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो मुआहदा किया है हम उस पर कायम रहेंगे, और ना सिर्फ कायम रहेंगे बल्कि उसको हिफाजत से रखने में भी पीछे नहीं हटेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। बाखुदा जितनी भी कानून की और आइन की मुझे समझ है, मैं बात ये पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि ये आइन, ये मुआहदा काफ़ी है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि मुल्क के हर मजलूम के लिए कि उसको इंसाफ दिला सके। जमात इस्लामी हिंद के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ इस अजीम व शान इज्तिमा के लिए, जो आज के इस वक्त के अंदर ये अजीम व शान इज्तिमा रखकर, एक कामयाब इज्तिमा एक डिसिप्लिन के साथ रखकर एक मिसाल फिर एक बार जमात इस्लामी ने कायम की है। मैं ना सिर्फ ये इज्तिमा के अंदर आप दीगर कई लोगों के तकारीर सुन रहे हैं, आज मुल्क के हालात बदतर है, आने वाले दिनों में इसी हाल रहा तो बदतरीन होते जाएंगे, ये तमाम लोग, ये तमाम आप लोग इस तमाम आज क्या हालात हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं सिर्फ दो बात कहकर आपके दरमियान से रुख्सत हो जाऊँगा कि आज आप देखिए ये इज्तिमा ना सिर्फ एक इज्तिमा है, एक मैसेज है जो आप सबको लेकर जाना है, एक मैसेज है जो आप सबको लेकर जाना है। जिस तरीके से साजिशें हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, आज बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर जो साजिशें कर रही हैं, उस साजिशों के खिलाफ ये स्टेज एक इज्तिमा है, ये स्टेज एक मैसेज है। जिस तरीके से तमाम मकतब फिक्र के लोग एक प्लेटफॉर्म पे है, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए हमारे अकायद को बाजू रखकर, बस ये मैसेज आप लेकर जाइए कि हमको एक रहकर जो इनके साजिश लोग जो कर रहे हैं उनके साजिश में उनको कामयाब नहीं होने देना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मुसलमानों की मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों ने कमलेश तिवारी के गुस्ताखाना रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए उसे सजा दिलाने का मुतालबा किया है। जमयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अलावा दीगर तंजीमों ने इंदिरा पार्क पर धरना मुनज्जम किया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना रिमार्क्स पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ रिमार्क्स को सब्र व तहमुल का मुजाहरा करते हुए बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी उनके लिए किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह ऐसे गुस्ताखों के खिलाफ एक्शन लें जो मजहबी जज्बात को मजरू करके मुल्क की मजहबी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पीजी सेमिस्टर्स इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक 14 दिसंबर से शुरू होंगे। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुरेश कुमार ने कहा कि इम्तिहान मुलतवी नहीं किए गए,
चंद तुलबा इसका मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन तुलबा की अक्सरियत को मद्देनज़र रखते हुए इम्तहान शेड्यूल के मुताबिक करवाए जाएंगे। जो तुलबा इम्तहान में शिरकत नहीं करेंगे उनका दोबारा इम्तहान नहीं लिया जाएगा और इम्तहान के दौरान रखना डालने वाले तुलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लड़कियों और ख़वातीन से छेड़छाड़ के वाक़यात को रोकने के लिए तश्कील दी गई शी टीमों की एक साल की तकमील के मौके पर माधवपुर में साइबराबाद पुलिस की जानिब से रैली निकाली गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद कविता ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव सुनहरे तेलंगाना के लिए काम कर रहे हैं और लड़कियों व ख़वातीन की सलामती के लिए वज़ीर आला की जानिब से खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हरासानी की शिकार ख़वातीन क़ानून का सहारा लें। इन्होंने इस रैली के सिलसिले में कमिश्नर साइबराबाद सी वी आनंद को मुबारकबाद पेश की और कहा कि शी टीम की तश्कील पर लड़कियों और ख़वातीन में नया भरोसा पैदा हुआ है। इन्होंने कहा कि हरासानी पर लड़कियां या ख़वातीन 100 नंबर डायल करते हुए इसकी इत्तला पुलिस को दे सकती हैं। इस रैली में ख़वातीन लड़कियों और उनके वालदेन ने कसीर तादाद में शिरकत की। अलबीनगर के एनटीआर नगर में हफ्ते की रात देर गए पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। डीसीपी अलबीनगर इकबाल की निगरानी में चलाई गई इस मुहिम में 386 मुलाजमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस ने 16 अफराद को हिरासत में लिया और नामुनासिब दस्तावेजात पर 41 टू व्हीलर्स, 11 ऑटोस, 9 सिलेंडर्स के अलावा शराब की बोतलों को भी जब्त किया गया। साइबराबाद पुलिस ने खुसूसी टीम ने एक माह कबल अगवा किए गए 2 साल लड़के को आंध्रा के नरसापुरम से बरामद कर लिया है। पुलिस ने मुकामी मजलिस जिम्मेदारों के ताउन के जरिए फिल्मी अंदाज में कार्रवाई करते हुए प्रवीण नामी अगवा कुनिंदा को गिरफ्तार कर लिया और बच्चों की फरोख्त के एक बड़े नेटवर्क का भी पता चलाया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता माह की 13 तारीख को कोकटपल्ली पुलिस हदूद में 2 साल मासूम लड़का ज़ियाउल्लाह घर के करीब से लापता हो गया था। पुलिस में ये रिपोर्ट की गई और हर जगह तलाश किया गया लेकिन कुछ पता ना चला। चंद रोज़ कबल मगविया लड़के के मामू को किसी नामालूम शख्स ने फ़ोन किया और बच्चे के बदले 2 लाख रुपये तावान का मुतालबा किया। फौरी तौर पर डीसीपी माधवपुर ने एक खसूसी टीम तश्कील दी और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों से राबता करते हुए रकम देने के झांसा दिलवाकर अगवा कुनिंदा का एतमाद हासिल किया। इन्हें रकम देने के बाद नरसापुरम के किसी गांव ले जाया गया जहां मगविया ज़ियाउल्लाह को 40,000 रुपयों में फ़रोख्त किया जा चुका था। पुलिस की खसूसी टीम ने बच्चे को बाहिफाजत बरामद किया और प्रवीण से कड़ी तफ्तीश की जिस पर उसने इंकशाफ किया कि वो 1 से ज़ायद बच्चों को अगवा करके फ़रोख्त कर चुका है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है और ज़ियाउल्लाह को हैदराबाद वापस लाया जा रहा है। गोलकुंडा पुलिस ने फरहीन फातिमा नामी खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इसकी लड़की को फरोख्त करने पर शौहर मोहम्मद इलियास को हिरासत में ले लिया है। इलियास से पूछताछ करने पर इसने बताया कि इसने अपनी लड़की जहांगीर नामी शख्स को गोद दी है और कर्ज़े हसना के तौर पर इससे 20,000 रुपये हासिल किए थे। गोलकुंडा पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में मुकम्मल तहकीकात के बाद ही लड़की को इसकी माँ के हवाले किया जाएगा। पुराना पुल पारदीवाड़ा चौराहे के पास एक खानगी बस का तवाजुन बिगड़ जाने से बस मेडिकल शॉप में घुस गई जिसकी वजह से एक खातून बरसरे मौका हलाक हो गई जबकि दिगर 2 जख्मी हुए हैं। इस हादसे में एक मोटर बाइक को भी नुकसान पहुंचा। आईनी शाहिदीन ने शुबा जाहिर किया है कि बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया होगा। हुसैनी आलम पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। संगारेड्डी पुलिस की लाठीचार्ज से आशा वर्कर्स और सीआईटीयू के जनरल सेक्रेटरी राजैया शदीद जख्मी हो गए। बाएं बाजू की जमात के जनरल सेक्रेटरी मल्लेश ने मीडिया को बताया कि आशा वर्कर्स अपने मसाइल की एक सोई के लिए
रैली की शक्ल में जहीराबाद से संगारेड्डी पहुंचे थे कि पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने की कोशिश की, जिस पर एहतजाजियों ने कंदी मुकामी शाहरा पर एहतजाजी धरना दिया, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया, जिसमें 5 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में CITU के ज़िले जनरल सेक्रेटरी राजैया और सदर आशा वर्कर सावित्री भी शामिल हैं। पुलिस ने जख्मी अफराद को इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल करते हुए एहतजाजियों को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। अलियाबाद शाह मीरपेट मंडल के कानगी स्कूल के कुएं में पानी नहाने वाला लड़का बर्फी रो लगने से शदीद झुलस गया। इतवार की सुबह मुतफ़ी नवीन अपने साथी नवाब के साथ कुएं में पानी नहा रहा था, जहां खुले बर्फी तार पड़े हुए थे। इस वाक़े में स्वरूप शदीद झुलस गया, जिसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके वाक़े की तहकीक़ात शुरू कर दी है। प्रशांत नगर कोकटपल्ली में इंडियन ऑयल के गोदाम में आग लगने से तेल का सारा स्टॉक जलकर खाकिस्तर हो गया। इतवार के दिन दोपहर के औकात में अचानक गोदाम को आग लग गई, जिसने चंद लम्हों में सारे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी, लेकिन फायर ब्रिगेड ताखिर से पहुंचा। करीब 2 घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शहर में सरकारी होर्डिंग्स TRS पार्टी होर्डिंग्स में तब्दील, बलदी इंतखाबात से कबल अचानक तब्दीलियां। तेलुगुदेशम के पास कैडर नहीं, बीजेपी के साथ आवाम नहीं और कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं, वजीर आप्पा हरीश राव का तबसरा। कांग्रेसी कायदीन की TRS में शमूलियत का मसला, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की दिल्ली तलबी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी PG सेमिस्टर्स प्रोग्राम के मुताबिक मुनक्किद होंगे, रखना डालने वाले तुलबा के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह। और बोराबंडे का साकिन मोगिया लड़का अगवा कुनिंदों के चुंगल से आजाद करा लिया गया, पुलिस की कामयाब मसाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।